हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज मैं आपको हिबिस्कस के प्लांट की जो है केयर और प्रोपेगेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आज बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये दो फ्लावर्स इस पर खिले हुए हैं, ये देखिए। और ये जो है कल खिल जाएंगे, ये देखिए। इसमें कलियाँ ये जो है इस टाइप से, ये देखिए। तो ये जो है मेरे पास ये दो प्लांट हैं और दोनों ही कटिंग से लगाए हुए हैं। कटिंग से इसको लगाना बेहद ही आसान है, बहुत आसानी तरीके से ये कटिंग से हिबिस्कस लग जाता है। और इसे हम ज़मीन पे और गमले में दोनों जगह लगा सकते हैं। मेरे नीचे गार्डन में ये ज़मीन पे लगा हुआ है, बहुत बड़ा प्लांट हो चुका है उसका। और ये जो है मेरा, ये दो गमलों में लगे हुए हैं, ये देखिए। तो ये वाला, ये जो प्लांट है मेरा, ये डबल पेटल्स वाला है, ये वाला। इस पर अभी ये फ्लावर खिला हुई है, इसमें डबल, ये बहुत बड़ा फ्लावर खिलता है इस पर, ये वाला जो है बड़ा अच्छा सुंदर लगता है, बहुत बढ़िया। तो और एक ये सिंगल पेटल्स वाला है। तो ये दो प्लांट हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही, मतलब बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। तो इसकी मिट्टी मैंने कैसे बनाई, तो इसकी मिट्टी में मैंने अपनी नॉर्मल जो है गार्डन सॉइल ली, और मतलब किचन से जो मैं कंपोस्ट बनाती हूँ वो, और थोड़ी सी इसमें मैंने ना बालू मिट्टी मिलाई। तो इस तरह करके मैंने इसकी सॉइल बनाई है। और फिर इसमें जो है ये मैंने जो कटिंग तैयार की थी वो, इसमें ये लगभग जो है मेरा, ये मेरे पास एक साल से है प्लांट। मैंने ये जो है पॉट्स में लगाए हैं वो एक साल से हैं। और फ्रेंड्स, इसमें देखिए मैंने क्या करा कि इस तरह इसमें बहुत सारी, कम से कम 20 से लेके 25 तक कलियाँ इसमें देखिए बनी हुई है। ये देखो, देख रहे हैं आप इसकी पॉट्स, इतनी बढ़िया ये जो है इसकी ग्रोथ हुई है। तो मैंने क्या करा कि यहाँ से ना, ये देखिए, ये जो है मैंने यहाँ से ये प्रून कर दिया। ये एक साथ, ये जब हम किसी भी प्लांट को एक साथ प्रून करते हैं तो एक साथ ही उसकी ग्रोथ होती है, और फिर उसमें एक साथ ही ढेर सारी कलियाँ और कलियाँ बनती हैं। तो मैं फर्टिलाइज़र इसमें क्या देती हूँ, मैं इसमें जो है बनाना पील देती हूँ, जो है केले के छिलके, तो मतलब हर घर में होती ही है। तो आप उसे फेंके नहीं, आप उसे पानी में 4-5 दिन के लिए भिगो दें, और उसमें पानी ऐड करके आप अपने गुड़हल के प्लांट में दें। ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है, मतलब हमारे गुड़हल के प्लांट के लिए। और आप मस्टर्ड केक में जो है, अभी आप जैसे मस्टर्ड केक भिगो के उसमें बहुत ही वाटरी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी मात्रा मिला दें, 20 गुना तक मिला दें। तो आप इस तरह पतला, आप जो है गर्मियों में इसमें मस्टर्ड केक भी दे सकते हैं। और जो भी किचन से हमारा जो निकलता है, जैसे दाल राइस का पानी हुआ, जैसे आलू बॉईल किए वो हुआ, तो आप इस तरह से आप इसमें अपने दे डाल सकते हैं। तो उससे बहुत ही अच्छी इन प्लांट्स की ग्रोथ होती है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और सनलाइट इसको कैसी चाहिए, तो इसको, ये सन लविंग प्लांट है फ्रेंड्स, तो इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की इसे धूप चाहिए, और ये अच्छी धूप में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो मैं, मतलब मेरा ये जो है इसको 4 से 5 घंटे तक की धूप मिल पाती है मेरी बालकनी में। फिर इसमें, मतलब इधर मेरे ये छांव आ जाती है। वैसे अभी मैंने ये जो है ये नेट लगा रखा हुआ है, ये देखिए फ्रेंड। तो इसके नीचे मैं उधर साइड में कॉर्नर में रखा हुआ है, मेरे उधर कॉर्नर में रखी हुई है ये प्लांट। तो इसमें इसको धूप मिलती है, काफ़ी अच्छी मिलती है, तो इसे बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है बस। और इसमें एक चीज़ और, मिलीबग का अटैक होता है, आप उसका ख्याल रखिए। आप जो है, आप जो भी वाटर जो है, जैसे कोई भी शैम्पू या मतलब लिक्विड सोप लेके आप पानी में मिला के इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, और नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं आप, और गार्लिक मिर्ची वाला स्प्रे वो भी कर सकते हैं। तो आप मिलीबग से ज़रूर बचाएं, क्योंकि गर्मियों में इसमें मिलीबग का काफ़ी अटैक होता है। तो अभी मैं 10 से 15 दिन के बीच में मैं इसमें अपना जो है ये स्प्रे करती रहती हूँ, इससे इसकी हेल्थ, ये देखिए फ्रेंड्स,
बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है मेरा ये प्लांट। तो उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।